नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेलोएलिकेस तथा हेलोएलिन्स के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं को जानेंगे। क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण एवं क्लोरोबेंजीन का एल्काइलीकरण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण। क्लोरोबेंजीन लेंगे, समीकरण के माध्यम से जाने हेलोजनीकरण। तो क्लोरोबेंजीन दिया हमने, क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण करेंगे। हेलोजनीकरण के लिए कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। यहां पर हेलोजन के रूप में क्लोरीन ले रहे हैं। अभिक्रिया होगी आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में FeCl3। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन एवं पैरा क्लोरो बेंजीन के समावय भी प्राप्त होते हैं। तो समीकरण को आगे निरूपित करते हुए, क्लोरीन ऑर्थो स्थान पर क्लोरीन जुड़ जाएगा एवं पैरा स्थान पर ये समावय भी प्राप्त होंगे, पैरा स्थान पर भी जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो हमने प्रथम अभिक्रिया हेलोजनीकरण अर्थात क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण जाना। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ या हेलोजन के साथ कराने पर ऑर्थो क्लोरोबेंजीन एवं पैरा क्लोरोबेंजीन के समावय भी प्राप्त होते हैं। इसे इस प्रकार से ऑर्थो डाइक्लोरो एवं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहा जा सकता है। तो यहां पर लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और ये है पैरा क्लोरोबेंजीन। चूंकि यहां पर डाई है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कहा जा सकता है। पैरा क्लोरो बेंजीन इस प्रकार से। प्रथम अभिक्रिया को जाना क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण। अब दूसरी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। पुनः ले लिया हम क्लोरोबेंजीन, ये लिया क्लोरोबेंजीन, नाइट्रीकरण कराएंगे HNO3 के साथ में, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां पर लेंगे HNO3, अभिक्रिया होगी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। हम समझने के आधार पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं HONO2। इस प्रकार से NO2 समूह ऑर्थो स्थान पर एम्पेरा स्थान पर जाकर जुड़ जाएगा। HO जिस स्थान पर NO2 समूह जुड़ेगा उस स्थान से निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ में जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। ऑर्थो स्थान पर NO2 जुड़ेगा तो ऑर्थो स्थान का हाइड्रोजन निकलेगा, पैरा स्थान पर NO2 समूह जुड़ेगा तो पैरा स्थान का हाइड्रोजन निकलेगा जो HO के साथ में जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं H2O। इस प्रकार से Cl NO2 प्लस समावयवी के रूप में यहां पर क्लोरीन है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इस प्रकार से Cl और NO2 समूह नीचे आ जाए पैरा स्थान पर और ऑर्थो स्थान पर ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन लिख सकते हैं। यहां पर ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये हमारे पास पैरा नाइट्रो क्लोरो
बेंजीन। तो दूसरी अभिक्रिया को हमने जाना क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कराने पर आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एवं बिना नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के समावयव प्राप्त होते हैं। यदि और अभिक्रिया को बढ़ाएं तो ये 1-chloro-2,4-dinitro-chlorobenzene में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे अभिक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया को इंडिकेट करना है। अगला बिंदु हमारा सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कराएंगे, H2SO4 के साथ में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे। तो यहां पर हम पुनः लेंगे क्लोरोबेंजीन, तीसरा समीकरण है सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन लिया, अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया होगी और कॉन्सेंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं HOHSO3। समझने के आधार पर H2SO4 को तोड़ के हमने इस प्रकार से लिखा, तो यहां पर लिख सकते हैं या H2SO4 को हमने इस प्रकार से लिखा HSO3 समूह आर्थो स्थान पर एम्पेरा स्थान पर जुड़ जाएगा। तो अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं CN और SO3H आर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड और पेरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड के समावयव भी प्राप्त होंगे। CN और पेरा स्थान पर SO3H जुड़ जाएगा। तो ये आर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड और ये पेरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड के समावयव भी है। यहां पर भी HO समूह जिस स्थान पर SO3H जुड़ेगा उस स्थान का हाइड्रोजन विस्थापित होगा जो HO के साथ में जलकाणु बनाकर पृथक हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं -S2O, यहां पर भी जलकाणु निकलेगा। यहां पर लिख सकते हैं हम आर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल और यहां पर लिख सकते हैं पेरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से हमने सल्फोनीकरण अभिक्रिया को जाना, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। अंतिम समीकरण है एल्काइलीकरण, क्लोरोबेंजीन का एल्काइलीकरण। हम अभिक्रिया को इधर निरूपित कर रहे हैं, ये लिया हमने पुनः क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया, एल्काइलीकरण अर्थात एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। एल्किल हैलाइड के स्थान पर यहां पर हम मेथिल क्लोराइड उदाहरण के लिए ले रहे हैं और अभिक्रिया होगी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां पर लिख सकते हैं निर्जल AlCl3 मेथिल क्लोराइड से मेथिल समूह आर्थो स्थान पर एम्पेरा स्थान पर जाकर जुड़ जाएगा। और यदि हम इसके दो अणु लेंगे तो बेंजीन से निकलने वाले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में HCl बनाकर पृथक हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं Cl और CH3 आर्थो स्थान पर, इसी प्रकार से प्लस Cl और CH3 पेरा स्थान पर, इस प्रकार से। तो ये प्राप्त हुआ आर्थो क्लोरो टॉलुइन और पेरा क्लोरो टॉलुइन।
दो अणु लेंगे इसके, उसके भी दो लेंगे, तो दो HCl के अणु निकल जाएंगे यहां पर इस प्रकार से। तो यह हमारे पास प्राप्त हो गया आर्थो क्लोरो टॉलुइन और पेरा क्लोरो टॉलुइन। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसके पूर्व में हमने जानी, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, यहाँ पर एरिल हैलाइड है, जब इस प्रकार से बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर आर्थोक्लोरो टॉलुइन एम्पेरा क्लोरो टॉलुइन के समावय भी प्राप्त होते हैं। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी करते हैं। तो इसका नाम है आर्थो क्लोरो टॉलुइन और यह है पेरा क्लोरो टॉलुइन। तो आज हमने हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं को जाना, क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्काइनीकरण। धन्यवाद।